एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस बाय सी की सहानी। आज हम क्लास 9 के मैथ्स का एनसीईआरटी चैप्टर 1 नंबर सिस्टम इसकी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है रैशनलाइज द फॉलोइंग डिनोमिनेटर। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कैसे रैशनलाइजेशन करी जाती है। जैसे कि आपका फर्स्ट पार्ट है 1/√7, तो रैशनलाइजेशन का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यानी डिनोमिनेटर को एक बार न्यूमरेटर में भी लिखेंगे और एक बार डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे। सो 1 × √7 √7 × √7 एक ही रूट में ले आते हैं इसे, एंड द रेस्ट आंसर विल बी √7/7 बिकॉज √7 × √7 का पेयर बन जाएगा 7। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या रहा है, 1/√7 − √6 रेशनलाइजेशन करना है, मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, डिनोमिनेटर को सेम कॉपी करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, बीच का जो साइन होता है उसे चेंज करते हैं, माइनस का होगा तो प्लस का करेंगे, प्लस का होगा तो माइनस का करेंगे। सो 1 × √7 + √6 इज दिस मच, और नीचे बच रहा है √7 − √6 × √7 + √6। सो यहाँ पर हमारा a − b a + b का फॉर्मूला लग जाएगा जो कि होता है a² − b² ऊपर का सेम रहेगा √7 + √6 फॉर्मूले की ये साइड यहाँ हो रखी है a² − b² हम नीचे करेंगे। a क्या है आपका √7 यानी √7 का स्क्वायर, b क्या है b है आपका √6 यानी कि √6 का स्क्वायर। सो यहाँ पे आ रहा है √7 को 2 times मल्टीप्लाई करेंगे 7, √6 को 2 बार करेंगे 6, 7 में से 6 माइनस करा 1, दिस इज योर आंसर। थर्ड पार्ट 1/√5 + √2 रैशनलाइजेशन करेंगे, सेम नोट करेंगे डिनोमिनेटर को ऊपर भी और नीचे भी, बीच के साइन को चेंज कर देंगे प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस का। सो 1 × √5 − √2 और नीचे बच रहा है √5 + √2 × √5 − √2। यहाँ पे a + b a − b का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज a² − b² ऊपर का सेम रहेगा √5 − √2 और क्योंकि यहाँ पे क्या है √5 + √2 √5 − √2, सो √5 का स्क्वायर यानी कि a² − b² यानी कि √2 का स्क्वायर। आंसर विल बी √5 − √2, √5 को 2 बार मल्टीप्लाई करा 5, √2 को 2 बार करेंगे 2, सो 5 − 2 = 3। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट 1/√7 − √2 रैशनलाइजेशन के लिए सेम कॉपी कर देंगे डिनोमिनेटर को, बीच का साइन चेंज करेंगे, माइनस की जगह क्या रहेगा प्लस, 1 × √7 + 2 नीचे वही आपका ये क्या है √7 − 2 √7 + 2 a − b a + b का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज a² − b² ऊपर का सेम रहेगा a² यानी कि √7 का स्क्वायर, b यानी कि 2 का स्क्वायर। √7 को 2 times मल्टीप्लाई करेंगे 7, 2 को 2 बार करेंगे 4, आंसर आएगा आपका √7 + 2, 7 में से 4 माइनस करा 3। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।